हाय एवरीवन, तो गौतम बुद्ध के बारे में हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था, तो आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, जो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में तो हमने जान लिया, उनके सारे पॉइंट्स रिलेटेड जान लिए, लेकिन आखिर बौद्ध धर्म आया क्यों और क्या है बौद्ध धर्म, ऐसा क्या खास है जो पूरी दुनिया में इसे जाना जाता है, बहुत सारे देशों में इसे माना जाता है, इस धर्म को अपनाया जाता है, जिसका सृजन हमारे भारत से हुआ था, जिसकी शुरुआत हमारे भारत से हुई थी। तो चलिए, कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि छठी शताब्दी के तक क्या होता है कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों की जड़ें बहुत ज्यादा बैठ जाती हैं। जड़ें बैठना मतलब क्या होता है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। ताकतवर क्योंकि जब हमने देखा वैदिक काल, तो वैदिक काल के प्रारंभ में सब कुछ ठीक चल रहा था ऋग वैदिक काल में, लेकिन जैसे ही वैदिक काल गुजरा और पूर्व वैदिक काल आया तो बहुत चीजें अलग होने लगी। जो बाद वाला वैदिक काल था वहां पर यज्ञ हवन ये सारी चीजें बहुत अधिक मात्रा में हो रही थी और वो कुछ ही लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, जैसे क्योंकि वर्ण व्यवस्था जो थी वो जन्म आधारित हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लगी थी समाज में। तो जो शूद्र व्यक्ति थे, जो वैश्य व्यक्ति थे, वो लोग बहुत सारी चीजों से वंचित रह जाते थे। स्त्रियां को भी शूद्रों की कैटेगरी में रखा जाता था, श्रेणी में रखा जाता था, और उन्हें भी बहुत सारे अधिकार नहीं दिए जाते थे। अधिकार मतलब यज्ञ हवन करने के अधिकार नहीं दिए जाते थे, भगवान की पूजा करने के अधिकार नहीं दिए जाते थे, मंदिरों में घुसने का अधिकार नहीं जाता था। तो इसे कुछ हद तक हम कह सकते हैं ब्राह्मण धर्म हो गया था, ये ब्राह्मणों के हिसाब से चीजें चलने लगी थी। तो इसे बदलना जरूरी है, जिस चीज में अतिरेक हो जाए, बहुत अत्यधिक जिसमें जड़त्व आ जाए, तो अब उसे बदलना पड़ता है। तो लोग किसके तरफ चले गए, बौद्ध धर्म के तरफ चले गए। उस समय एक अंधेरे में रोशनी का काम किया बौद्ध धर्म ने। बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग को अपनाया था। इसकी इनकी शिक्षाएं जो थी वो मध्यम मार्ग से संबंधित थी, मतलब बीच का मार्ग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनकी टीचिंग्स क्या है। तो ये कहते हैं कि जीवन है तो दुख होगा ही होगा, तो दुख बहुत सारा था। चार आर्य सत्य है, ये सत्य है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता, तो दुख होगा और दुख इकलौता नहीं होगा, उसके समुदाय होंगे, ठीक है, समुदाय होंगे, और दुख का निरोध भी किया जा सकता है, दुख निरोध का मार्ग भी मार्ग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम दुखों को सॉल्व कर सकते हैं। और ये दुख निरोध का मार्ग किस तरीके से हो सकता है, तो हम जब अष्टांगिक मार्गों को अपनाएंगे तब जाके हमारे दुखों का नाश हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चार सत्य जो थे वो गौतम बुद्ध ने बताया। उसके बाद देखिए अष्टांगिक मार्ग, ये मार्ग जीवन में जिसने अपना लिया उसकी जिंदगी से सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और वो अपने लक्ष्य को पा लेगा। तो ये कौन कौन से मार्ग है, तो सम्यक दृष्टि मतलब सही दृष्टि, हम जो नजरिया होना चाहिए वो सही होना चाहिए। सोचिए अगर नजरिया ही सही हो जाए तो दुनिया में सारी चीजें कितनी आसान हो जाएंगी। हर चीज तो नजर का ही खेल है, किसी के लिए कोई चीज जो होती है वो बुरी होती है और वही किसी और के लिए वो चीज सही हो जाती है, या फिर किसी देश में वही चीज गलत होती है जबकि वही दूसरे देश में वो चीज सही हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये नजरों का और नजरिए का फेर होता है। तो सही दृष्टि होना बहुत ही जरूरी है, और सम्यक संकल्प होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसा कि हमने देखा है आज तक। तो दृढ़ संकल्प कहते हैं ना कि जैसे छात्र को संकल्प लेना चाहिए कि वो सही तरीके से निष्ठापूर्ण होकर अपनी शिक्षाओं को पढ़ेगा या पढ़ाई करेगा, इस तरीके से संकल्प होने चाहिए हमारी जिंदगी में, जिसको हमको टारगेट अचीव करना, बिना संकल्प के कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद सम्यक कर्म मतलब सही कर्म करना, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम, समय में व्यायाम करना जो हम अक्सर भूल जाते हैं, तो ये सारी चीजें जो हमारे जीवन को और भी ज्यादा सही बनाती है। सम्यक वाक सम्यक स्मृति, सम्यक वाक अर्थात सही बात करना, सही बोलना, ठीक है। सम्यक स्मृति सही स्मृतियां, सही काम करेंगे तो हमारी जो मेमोरीज होगी वो भी सही ही होंगी, और सम्यक समाधि, ठीक है। तो ये सारी चीजें समय पे हमें हर चीज करना है, सम्यक और सही तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ये अष्टांगिक मार्ग है जो हमें अपने जीवन में अगर हम लाए तो हम किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म के तीन रत्न क्या क्या है, तो इसी पे आधारित है। तो बोध
बुद्धि को प्राप्त करना। बुद्ध कौन कहलाता है? जिसके पास बुद्धत्व जो कौन धारण करता है? जिसके पास सारे संपूर्ण ज्ञान है। ठीक है, धम्म, धम्म जहाँ पर विचार, धम्म क्या है? एक विचार है। विचारों को शिलालेखों पे लिखाया गया था, जो गौतम बुद्ध के विचार थे, जिन्हें धर्म से जोड़ना अलग होती है। धर्म जो होता है वो एकदम क्या कह सकते हैं, जड़त्व होता है या फिर कट्टर होता है, लेकिन धम्म जो होता है वो बिल्कुल लचीला एक फॉर्म है धर्म का। उसके बाद संघ, तो इस तरीके से हमने तीन रत्नों की बात की। ये सारे जो बात है वो सारे थोड़े फैक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, और यहाँ पर मध्यम मार्ग को क्यों चुना गया, कि मध्यम मार्ग है क्या? तो गौतम बुद्ध का कहना है कि जरूरत से ज्यादा कोई चीज ना करे और जरूरत से कम भी कोई चीज ना करे। तो उनका कहना था ना अधिक विलास और ना अधिक संयम। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गौतम बुद्ध ये समझ गए थे कि हम बहुत ज्यादा अपने आप को प्रताड़ना देकर भी नहीं रह सकते और बहुत ज्यादा हम किसी चीज में डूबे भी नहीं रह सकते। तो बीच का जो रास्ता है वही सुखी जीवन का रास्ता है, कि हमें ना गलत करना ना सही करना, हमें बीच का रास्ता चुनना है। जैसे पॉलिटिशियन चुनते हैं ना बीच का रास्ता अक्सर बोलने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य की बात करें, जिससे हमें बौद्ध धर्म के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता हो। देखिए सारे डेटाबेस ये, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे चीज पॉइंट टू पॉइंट आपके साथ बताए गए। ठीक है, शेयर किए गए, यहाँ पर नो कहानी कुछ भी नहीं, पॉइंट टू पॉइंट, जिससे हमारा एग्जाम क्रैक हो सके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य की बात करें तो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, तीन पिटकों की बात की जाती है। इसके अलावा और एक चीज होता है, जो होता है जातक कथाएं, जहां पर गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की बातें की गई है। तो इन पिटकों को थोड़ा देखेंगे तो सूत पिटक में गौतम बुद्ध के द्वारा जो आदेशों को दिया, उपदेशों को दिया गया, उसका संग्रह किया गया। संग्रह मतलब इकट्ठा किया गया कि गौतम बुद्ध आज है, ठीक है, बहुत सालों तक रहेंगे, लेकिन उनकी जो उपदेश है अगर कहीं संग्राहित हो तो वो हमेशा तक जीवित रह सकता है। जैसे आज भी जो बौद्ध धर्म है वो इन्हीं सब के आधार पर है ना, तो लिखित चीजें हैं। तो इनका संग्रह किया गया था विनय पिटक में, संघों के नियम, कि संघ में अगर स्त्री पुरुष दोनों रहते तो किस तरीके से रहना है उन्हें, या फिर जो लोग आ रहे हैं उनको किन नियमों का पालन करना है, ये सारी चीजें जो है वो दी गई है। उसके बाद देखेंगे अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक में क्या है, तो दार्शनिक संग्रह, तो बौद्ध गौतम बुद्ध के दार्शनिकता का संग्रह है। ठीक है, कि वो किस दर्शन को दर्शाया है उन्होंने, ये सारी चीजें बताई गई है। और मैंने जैसे बताया ये जातक कथाओं में क्या है, तो जातक कथाओं में उनके पुनर्जन्म की कहानी है। चलिए, हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि बहुत ज्यादा ब्राह्मणों के अतिरेक हो जाने की वजह से बहुत ज्यादा उनमें जड़त्व आ गया, रूढ़िवादिता आ गई, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म के तरफ सब अग्रसर हो गए। तो ऐसी क्या विशेषताएं थी बौद्ध धर्म में कि लोग उनके तरफ अग्रसर हो गए? तो थोड़ा विशेषताओं पर ध्यान दे लेते हैं। तो ये इन्होंने वर्ण व्यवस्था की निंदा की थी। कहा था गौतम बुद्ध ने, कहा है या कहा था, तो उन्होंने कहा कि वर्ण जन्म निर्धारित नहीं होना चाहिए, यह एक तरह की इस तरीके से नहीं होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था बहुत ही गलत है, इससे लोगों में ऊंच नीच जो है वो पैदा होती है। ठीक है, इसके बाद वो ईश्वर को नहीं मानते थे, वो आत्मा को नहीं मानते थे। ठीक है, ईश्वर और आत्मा का उनको वो बोलते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, जो है सब हमारे अंदर है। ठीक है, लेकिन बाद में, फिलहाल बाद में हीनयान और महायान दो भागों में बढ़ जाता है, जहां पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ईश्वर गौतम बुद्ध को ही बना दिया गया आगे जाकर। चलिए, उसके बाद देखेंगे कि प्रत्येक जाति के लिए खुला हुआ था। तो गौतम जो बौद्ध धर्म था वो हर एक जाति के लोग थे, वह उनके लिए खुला हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर महिलाओं का भी संपूर्ण आदर था, उन लोगों के लिए भी द्वार खुला था, क्योंकि देखिए एकता मतलब हर किसी को समान बनाना था, तो महिलाएं कैसे छूट जाती, क्योंकि महिला भी तो उतनी ही ज्यादा परेशान थी। आपको पता है कि वैदिक
वैदिक पीरियड में जो ब्राह्मण धर्म था उसने महिलाओं को बहुत ही नीचा रखा था, शूद्रों के बराबर, और महिलाओं को किसी भी चीज का अधिकार नहीं था। तो इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर गौतम बुद्ध को देना ही पड़ा स्त्रियों को वो हक, क्योंकि उन्होंने समानता की बात की थी, तो महिलाएं तो इसी जगह की है तो उन्हें क्यों नहीं समानता मिलेगी। तो इसलिए उनका प्रवेश हुआ और पहले बौद्ध धर्म में जो महिला आई, बौद्ध धर्म उन्होंने धारण किया, वो कौन थी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे। तो ब्राह्मण धर्म से अधिक उदार था जो बौद्ध धर्म था, वो ब्राह्मण धर्म से बहुत ज्यादा उदार था। वो सबको वेलकम कर रहा था, वो सबकी चीजों को समझ रहा था, उनके तकलीफों से उनका निवारण कर रहा था, जबकि जो ब्राह्मण धर्म था वो एक तरफा था, सिर्फ ब्राह्मणों और क्षत्रियों के फेवर में था, और जिनके पास धन है उसको ज्यादा महत्व दे रहा था, तवज्जो दे रहा था। उसके बाद जनतांत्रिक था, जनता के लिए था। जनतांत्रिक चीजें जो होती है वो लोगों को बहुत पसंद आती है, क्योंकि वो उनके लिए होती है, ठीक है ना। और ये पाली भाषा में था, पाली भाषा में होने के कारण ये लोगों में बहुत ज्यादा प्रिय हुआ, क्योंकि ये पाली जो थी वहां की आम भाषा थी। जैसे उत्तर भारत की तरफ हम देखें तो पाली जो थी मगध में खासकर, तो वहां पर बहुत ज्यादा पाली को अपनाया गया। लोकल भाषा में कोई चीज होगी तो हम लोकल भाषा से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं, जिसके वजह से क्या हुआ कि इसका और भी ज्यादा ये फैला, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आचार संहिता। आचार संहिता क्या है, तो जैसे यहाँ पर हमने नियमों को देखा, यहाँ पर आचार संहिता में कुछ बातें बताई गई कि क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, क्या क्या हमें नहीं करनी चाहिए, अपने आचरण में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। पराया धन का लोभ, पराया धन का लोभ नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, नशे का सेवन नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। ये कितना ही कर सकते हैं हम लोग, वो तो हम सबको पता है। जो ये सारी चीजें की गई हैं, अगर कोई करे, अगर पूरा समाज ये सारी चीजें मानने लगे तो शायद समाज का एक रूप ही अलग हो जाएगा। लेकिन कितने दिन तक बौद्ध धर्म जब बीमारियों से नहीं, बीमारी बोल रहे हैं, बौद्ध धर्म जब इन सारी चीजों से नहीं बचा, बुराइयों से नहीं बचा, तो फिर आगे जाके हम देखेंगे किस प्रकार बौद्ध धर्म का हानि होता है, किस तरीके से वो उसमें भी बहुत सारी बुराइयां आ जाती है, रूढ़िवादिता आ जाती है। दुराचार से दूर रहना है, दुराचार आचरण से दूर रहना है। अब देखिए तो हम देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बट गया, हीनयान महायान। तो इसमें क्या डिफरेंसेस है और ये क्या है, तो इसको समझते हैं। तो एक हीनयान जो था वो रूढ़िवादी था, जैसा गौतम बुद्ध ने बताया वो उसी को फॉलो कर रहे थे, और महायान कहता था कि नहीं, हमें समय के अनुसार चीजों को बदलना चाहिए और चीजों को अपने हिसाब से बदलना चाहिए। तो दोनों चीज अपने जगह पर सही है। इनका कहना था कि अगर हम चीजों को बदलते रहेंगे तो वो वास्तविक जो चीज है वो खो सी जाएगी, और बात तो सही है कि जैसे अगर एक बात कही जाती है तो वो दूसरे लोग के पास जाएगी, तीसरे के पास जाएगी, तो वो बदलती सी जाती है ना। तो इन्होंने कहा कि जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, ये बदलेगा, ठीक है। इसके बाद हीनयान का कहना था कि बुद्ध जो है वो महापुरुष है लेकिन कोई देवता का अवतार नहीं है, वो नहीं मानते हैं, क्योंकि हीनयान का ये रूढ़िवादी थे और गौतम बुद्ध ने कहा था कि वो भगवान ईश्वर को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते। जब बौद्ध धर्म में इस चीज की मनाही है तो कैसे गौतम बुद्ध को देवता मान लिया जाएगा, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, वो देवता है, वो भगवान का अवतार है, ठीक है। उसके बाद मूर्ति पूजा में आस्था नहीं थी, क्योंकि मूर्ति पूजा से भी वर्जित था, जब ईश्वर को मानते ही नहीं थे तो मूर्ति पूजा करे कैसे। लेकिन इन्होंने महायान में क्या हुआ कि उन्होंने गौतम बुद्ध को ही मूर्ति बनाकर पूजा करने लगे, ठीक है। उसके बाद यह कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो श्रीलंका में, दक्षिणी भारत में, वर्मा में और थाईलैंड में, ठीक है। और इसका जो फैलाव है वो चीन में, तिब्बत में और उत्तर भारत की तरफ है। तो इस तरीके से हमने देखा हीनयान और महायान के बारे में। तो आई होप सारी चीजें, सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं, लगभग तो सारी चीजें हो गई हैं। तो आज ये चैप्टर खत्म होता है, नेक्स्ट हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, और जैन धर्म के बारे में और उसके साथ और भी थोड़े धर्म आए थे उस समय, नैनाल, बहुत सारे धर्म आए थे जो वैष्णव थे, शिव से रिलेटेड थे, तो ये सारे जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आई होप वीडियो अच्छी लगी कि लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से करें, प्लीज एक प्यारा से कमेंट करें जो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। थैंक यू।